बारिश की वजह से देखिएगा इस पूरा ये पानी भरा पड़ा है। मैं सोचा अभी ये मान लेना पड़ेगा कि हाँ ये गंदा हो गया, मुझे धुल लेना है। उसके बाद इसका रंगत आ गया, तो देखिए ये छूटना स्टार्ट हो गया ऑलमोस्ट। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सुबह के 9:30 बज रहा है और हमारा गैस ख़त्म हो गया है, तो गैस भरवाने ले जाएंगे। सबसे बड़ी पहली यही वाली बात है कि भाई रात में गैस ख़त्म हो गया खाना बनाते बनाते, तो फिर अंकल जी का मांग के लेके आया हूँ। तो अभी लोकेंद्र जी आ रहे हैं, उनको फ़ोन करके बुलाए हूँ। दोस्त की बाइक लेके आएंगे तो फिर उसके भी जाएंगे। आप सभी को ढेर सारा मेरे तरफ से, पूरे परिवार को, हमारी फैमिली जितनी भी है सबको हैप्पी जन्माष्टमी, पूरे देश को हैप्पी जन्माष्टमी। यही जाना है मुझे गैस भरवाने के लिए। तो लोकेंद्र जी आ गए हैं, अभी नीचे अब चिल्लाने लग जाएंगे भाई, इसलिए मैं रेडी हो जाऊँ, क्योंकि अभी बस ऐसे ही घूम रहा हूँ मैं आप लोगों को बताने के लिए। देखिए निकलना पड़ रहा है भाई, खत्म हो गया कैसे। रूम तो लगभग 4.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है मैं गैस सिलेंडर लेने के लिए, और बाइक इतना तेज कूद रही है ना कि भाई की वीडियो आपको पूरा जिगजैग करते हुए नजर आएगी, उसके लिए माफी कर दीजिएगा भाई। और बारिश की वजह से रोड का हालत थोड़ा सा अच्छा नहीं है, ये हर जगह की हाल है, तो हमारा ये ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि हम अपने रोड की बुराई कर रहे हैं। तो लगभग 4.5 किलोमीटर जाना पड़ रहा है भाई साहब, तो फिर जाके ही गैस लेंगे। लोकेंद्र जी बड़े बहुत महान इंसान है यार, ऐसे तो मतलब कि लाइन में सबके पास होना चाहिए ऐसे तो। थैंक यू भाई, थैंक यू, बड़े महान इंसान है यार। इनके पैर अगर मैं छू सकता था तो अभी छू लूंगा, लेकिन मुझे लगता है अगर छूंगा तो बाइक ही गिर जाएगी, इसलिए नहीं छू पा रहा हूँ। भाई जस्ट अभी पहुँचे ही है गैस सिलेंडर वाली दुकान पे, मतलब गैस एजेंसी पे। हमने अपना टंकी रख दिया है यहाँ पे, अब जाके यहाँ से गैस लेना है, गैस का पर्ची कटवाना है, देखते हैं क्या होता है। लीजिए भाई। भाई एक चीज़ आपको बताना था, ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे हाथ से खुद मोबाइल लेके वो बोल रहे हैं, भैया जो वहाँ पे एचपी गैस वाले पे बैठे हुए थे काउंटर पे, बोल रहे हैं कि गैस बुकिंग हुआ है कि नहीं। मैं बोला नहीं, क्योंकि ये पहली बार ही हुआ है यहाँ पे, हम बिना बुकिंग करने और ये वाला लेके आ जाते थे पेपर और हो जाता था। अभी वो बोल रहे हैं कि हाँ गैस बुकिंग करो, तो मैं बोला कि अब तो कैसे करो, मेरा रजिस्टर मोबाइल भी नहीं है, नंबर है ये। तो बोले एक तो उड़िया में बोल रहे थे, मैं बोला हिंदी, तो फिर उसके बाद खुद ही मोबाइल लेके वो बुक करके सब कुछ करके दे दी। लाइफ में यार आज शुगर से कुछ बुरा हुआ है तो 2-3 चीज़ें अच्छी हुई, जिसमें से एक लोकेंद्र जी अच्छे इंसान के साथ रहिए ना तो अच्छा ही होता है भाई, ये सही बात है। तो अभी जो है बहुत सारा अच्छा चीज़ हो चुका है हमारे साथ, रो नहीं सकता, बस यही कहूँगा। हम आपको रोने देंगे, ठीक है। मैंने रोना ही नहीं है भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया को कि हाँ उन्होंने मेरा खुद ही गैस बुक करके और ये काम कर दिया। अभी तो मेन उसे ये होने वाला भाई कि हमने तो गैस अभी रखना है, रखने पे कितना दिक्कत होगा वो तो बात अलग है, देखते हैं कैसे रखते हैं। हाँ मैं इधर से रखूँगा, चलिए ठीक है। पेपर कहाँ गया? तो भाई गैस रख के मिलते हैं यार, बहुत 14-15 किलो इससे एक्स्ट्रा होगा, मतलब मिट्टी को झाड़ दो पहले, ये तो गंदगी इसका ऐसे ही लगा रहता है, फिर भी नया टंकी लग रहा है ये वाला ना। पूछना पड़ेगा भाई यार, यही सब तो है जीवन में करने के लिए। क्योंकि फाइनली हमारा गैस रखा गया है बहुत मशक्कत के बाद, और बिना पेपर के मैं रख दिया। मैं सोचा अभी ये मान लेना पड़ेगा कि हाँ ये गंदा हो गया, मुझे धुल लेना है, मैं धुल लूँगा, वो चलेगा। लोकेंद्र जी किसी चीज़ का डिलीवरी मंगाए थे, अब उनको फ़ोन कर रहे हैं हम इतना दूर पर, 4-5 किलोमीटर दूर, तो वो बोला भाई जल्दी आए नहीं तो किसी और को डिलीवरी देंगे ही नहीं, तो अब जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा उनके लिए। गैस पेपर गुरु क्या गैस है ना, तो ठीक है चलिए जल्दी चलिए यार। जब बारिश का मौसम है तो मज़ा ही अलग आ जाता है, मतलब मौसम देखिए ना, धूप हो नहीं रही है। हम यहाँ पर रहते थे तो इसके अंदर चाय देता था ना, तो वहाँ से अंदर जाके इस बगीचे में वहाँ पे भी चाय पीते थे।
4 बज चुके हैं, अभी तक मैं नहाया नहीं, बस आया जैसे उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बारिश होने लग गई थी। तो फिर उसके बाद मैं खाना बनाया, खाना खाया, थोड़ा लेटा, लेटने के बाद अब जाके बाहर निकला हूँ जैसे बारिश बंद हुई है। तो ऐसे कहीं बाहर जाने का मौका भी नहीं मिला मेरे को। पिछले कुछ दिनों से वर्षा इतनी तेज़ हुई है ना यहाँ पे, जो मैंने आपको नहीं बताया था पिछले वीडियो में कि बारिश बहुत तेज़ हो रही है यहाँ पे, इतनी वर्षा हुई कि लगभग बहुत जगह पे बाढ़ आ चुकी है। अब कटक के पास में महानदी है, वहाँ भी देखिए, मैं आपको थोड़ा सा वीडियो डाल दूंगा मेरे साइड के पास का। पानी भर गया है, चारों तरफ से बाढ़ आ रखी है। तो अभी मैं ये मना रहा हूँ कि भाई ज़्यादा बारिश तो ज़रूरी है, लेकिन यार अब क्या ही बोल सकता हूँ कि लोगों का घर डूब रहा है उसमें, तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। पशु पक्षियों जानवरों के लिए बारिश भी ज़रूरी है, इसमें जो बेहतर पड़े भगवान को वही करे यार, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। हमने टैटू के बारे में बोला था ना कि हाँ ये धीरे धीरे छूटेगा, उसके बाद इसका रंगत आएगा, तो देखिए ये छूटना स्टार्ट हो गया, ऑलमोस्ट छूट चुका है, थोड़ा थोड़ा रह गया है, बस यही बच्चा है। और मुझे एनी टाइम, अभी धूप नहीं है ना इसलिए मैं बाहर आके बैठ सकता था, तो इसलिए मैं बाहर आके बैठा हूँ। इसी तरह से जब धूप होती है, कभी भी कहीं बाहर जाओ, ऑफिस जाओ, कहीं भी जाओ, तो फुल शर्ट पहन के ही जाना होता है, क्योंकि धूप में इसको दिक्कत होता है। 14-15 दिन के लिए आपको धूप में नहीं रहना होता है, तो इसको ढक के रखना पड़ता है। तो अब मैं ये कोशिश यही करूँगा कि हाँ बस 14-15 दिन पूरे होने वाले हैं, तो ऐसा भी नहीं कि हाँ जैसे 14-15 दिन हो गया तो मैं बस बाहर निकल जाऊँ, इसको दिखाना शुरू कर दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जैसा सूट करेगा कपड़े के हिसाब से मैं वैसा ही पहनूँगा। ऑलमोस्ट 4 तो बज चुके हैं, अब मुझे लगता है कि नहा लेना चाहिए, हो सकता है शाम में कहीं जाएँ चाय वाय पीने के लिए, तो नहीं तो फिर मुझे लगता है कि बारिश वापस से आने वाली है। उसका एक ही साइन दिख रहा है कि ये जो फतिंगे नहीं उड़ते, जोलाहा, अपने तरफ जोलाहा बोलते हैं उसको, जब ये मेरा गांव का साइन है ऐसा कि जब ये उड़ने लगते तो समझ जाओ कि वापस से बारिश आने वाली है। सब देख सकते हैं कि ये देख लीजिए, ये भी इधर से साइन दे रहा है भाई कि यहाँ बारिश होने वाली है। तो भाई शाम के हो चुके हैं 6:30 और हम आए हैं अभी चाय पीने के लिए। मुकेश जी को आप इसमें नहीं देखेंगे वीडियो में नहीं देखने का रीज़न है कि वो लगे हुए गेम खेलने में, मैं उनको डिस्टर्ब भी नहीं किया। गेम खेलने में लगे हैं, थोड़ा फैमिली में बात करने में लगे हैं, तो मैं डिस्टर्ब क्यों करना, क्योंकि वो आएंगे तो है नहीं, बारिश का समय थोड़ा सा नहीं आएंगे, तो मैं सोचा क्यों परेशान करना, तो फिर इसलिए मैं आ गया। और शाम के बज चुके हैं 6:30, मैं और लोकेंद्र जी हैं, हम तो आएंगे ना, आखिर आपने बुलाया, ठीक है तो आना पड़ेगा हमको। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, अभी बारिश बंद हुआ है, बारिश रात से बारिश हो रहा है यहाँ पे, दिन में थोड़ा बहुत बंद हो गया था सुबह जो मॉर्निंग में, फिर उसके बाद 12-1 बजे से बारिश हो गया था। अभी रिवील नहीं कर सकते, ये गणेश जी की मूर्ति बन रही है, आप देख सकते हैं गणेश चतुर्थी के लिए, और ये मंदिर ढेंकनाल का एक कल्चर है कि 3-4 महीना तो एक ट्रेड फेयर लगता है। देखिए यहाँ तो वापस से लग चुका है और लगभग 10 दिन हो चुका है, तो हमने इधर अभी विजिट नहीं किया था, तो एक बार दिखा देते हैं आप लोग को भी। बारिश की वजह से देखिएगा इस पूरा ये पानी भरा पड़ा है, कोई आ नहीं रहा, पहले बहुत भीड़ लगता था इसमें, लेकिन अभी कोई भीड़ वगैरह नहीं है, सब मामला पूरा शांत हो पड़ा है। मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे कुछ दिखाने के लायक था नहीं, तो इसलिए मैं दिखाया भी नहीं, कुछ है भी नहीं ऐसा चीज़ कि यहाँ कुछ दिखा दूँ आप लोगों को, वही वाला मेन चीज़ है सब। और भीड़ भी एकदम ख़त्म हो चुकी है, मैं बस यही चाहूँगा कि बस यहाँ पे आप लोगों से अलविदा लूँ। तो यहाँ तक देखने के लिए गाइस बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें, फैमिली बढ़ तो रही है लेकिन बीच में कभी कम हो जा रहा है, कभी ज़्यादा हो जा रहा है थोड़ा सा, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहिए। बस मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.